नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि त्वचा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो रोग होते हैं, उनका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रहों की वजह से त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, और ज्योतिष का प्रयोग करके आप कैसे उनसे राहत पा सकते हैं, उपाय भी पंडित जी से जानेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 14 जनवरी 2024 दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 10:22 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि त्वचा की समस्या का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है। पंडित जी, जिन लोगों को स्किन डिजीज होती है, तो अगर ज्योतिष के नजरिए से समझना चाहें तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? प्रवीण जी, त्वचा की समस्या भी एक बहुत कॉमन समस्या है, और त्वचा की समस्या भी कई तरीके की होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा दुष्कर भी हो जाती है, और कुछ लोगों को सर्दियों गर्मियों में मौसम के हिसाब से भी त्वचा की समस्या हो सकती है या हो जाती है। अगर हम ज्योतिष के नजरिए से समझना चाहें कि त्वचा के लिए कौन से ग्रह इसकी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं, तो त्वचा का मामला होता है पृथ्वी तत्व का मामला, अर्थियल एलिमेंट का मामला। मुख्य रूप से त्वचा का जो स्वामी है वो होता है बुध। बुध त्वचा को नवीन और अच्छा बनाए रखता है, इसीलिए जब बुध कुंडली में अच्छा होता है तो लोगों की त्वचा पे जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती, लोग लंबे समय तक युवा बने रहते हैं, या लंबे समय तक उनकी स्किन बहुत अच्छी दिखाई देती है। बुध के अलावा मंगल और सूर्य भी त्वचा से संबंध रखते हैं। मंगल और सूर्य का भी अन्य तरीके से त्वचा से संबंध होता है। मेष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, ये तीन राशियां त्वचा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। मुख्यतः अग्नि की जो तीन राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, और पृथ्वी तत्व की जो तीन राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, इनके साथ त्वचा की समस्याओं का गहरा संबंध होता है, गहरा एसोसिएशन होता है। और जैसा आपको पहले भी बताया कि कुल मिलाकर के जो त्वचा का स्वामी है, जो ओवरऑल त्वचा का मालिक है, वो होता है बुध, यानी कि मरकरी। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मेष राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है, धन का लाभ होगा आपको, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी स्किन कैसे अच्छी रहे, इसमें ग्रह कैसे मदद कर सकते हैं। पंडित जी, बुध आपने कहा कि त्वचा का मालिक होता है, तो अगर किसी की कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है तो उनको किस तरह की त्वचा से संबंधित परेशानी हो सकती है? देखिए, बुध जो है वो ओवरऑल स्किन का मालिक है। किसी व्यक्ति की त्वचा कैसी होगी, त्वचा की क्वालिटी कैसी होगी, ये बुध बताता है। बुध की जो त्वचा की समस्या है, इसमें त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगर बुध खराब हो तो युवावस्था में भी, यंग एज में भी त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। कभी कभी त्वचा, स्किन रूखी और खराब हो जाती है, त्वचा पर दाने आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं। आम तौर से उम्र के 8 से 20 वर्ष तक और 60 साल के पश्चात बुध के त्वचा की समस्याएं ज्यादा होती हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बुध की त्वचा की समस्याओं को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा आसान होता है। अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या है तो आप उसे बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। क्या उपाय किए जाएं अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या है, किन बातों का ध्यान दिया जाए? सबसे पहले आप अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिए। आप क्या खाते पीते हैं इससे बुध का संबंध ज्यादा होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को दूध सूट नहीं करता है, दूध पी लेंगे एलर्जी हो जाएगी, उसके पीछे बुध है। या बहुत सारे लोग अंडा खा लेते हैं एलर्जी हो जाती है, उसके पीछे बुध है। इसलिए खान पान का बहुत ध्यान रखिए। सप्ताह में एक दिन केवल लिक्विड डाइट लीजिए, केवल जलीय आहार ग्रहण करिए। सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक खड़े रहिए। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो बुध से होने वाली त्वचा की समस्याओं में जल्दी सुधार होगा। बुध की समस्या ज्यादातर एलर्जी वाली होती है, इन्फेक्शन वाली होती है। इसीलिए खान पान का, माहौल का, परिवेश का बहुत फर्क पड़ता है अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या होती है तो। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है,
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, परिवार में विवाद की नौबत आ सकती है, थोड़ा सा धैर्य इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की, सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्राओं में सावधानी बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा लाल। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज ऐसा क्यों में हम पंडित जी से जानेंगे कि जब लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय लड़की अपने मायके वालों को अक्षत देकर जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो अब सवाल की बात कर लें। यदि आप अपना सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके हमें bhagyachakra@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। वहां से पंडित जी सवाल उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं। आज का प्रश्न हमें राघव जी ने लिखा है और राघव जी हमें गोरखपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1984। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है गोरखपुर। राघव जी लिख रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और मेरा वैवाहिक जीवन कैसे बेहतर होगा। राघव जी, सबसे पहले कहूंगा कि देखिए, आपका वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा, एक्सीलेंट होना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर धैर्य के साथ रहें, अगर पेशेंस बना करके रहें तो समय बीतने पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। अक्टूबर 2024 के बाद आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें
आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर स्किन डिजीज हो, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो, त्वचा से संबंधित समस्या हो, तो कैसे ज्योतिष उसमें आपकी मदद कर सकता है। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में मंगल अनुकूल नहीं है और मंगल की वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, बुध की स्किन प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर मंगल की वजह से त्वचा की समस्या हो रही है तो उसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। कैसी होती है ये समस्या? देखिए, मंगल की त्वचा की समस्या आंतरिक गड़बड़ियों की सूचना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दवाई गलत खा ली थी तो रिएक्शन हो गया, शरीर पे निशान पड़ गए, लाल लाल दाने आ गए, दवाई खाए अंदर गई, रिएक्शन कर गई दवाई, तो आपके शरीर पे छाले पड़ गए या शरीर पे निशान आ गए। ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है, ये जो रिएक्टिव पार्ट है, ये होता है मंगल का। ये शरीर के केमिकल बैलेंस को बिगाड़ करके आपकी स्किन में प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम कहीं और होती है, लेकिन उसकी सूचना आपके स्किन पर, आपकी त्वचा पर आ जाती है। मंगल के कारण त्वचा की समस्या में शरीर पर दाग और निशान पड़ जाते हैं, और कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण भी मंगल शरीर पर दाग या निशान दे देता है। जैसे आपके चेहरे पर कटे फटे के निशान आ गए, आपके हाथ पर कटे फटे का निशान आ गया, दुर्घटना में चोट लग गई थी उसका निशान बना हुआ है। इस तरह के जो निशान हैं, जो दाग धब्बे हैं आपकी स्किन के ऊपर, इसके पीछे ज्यादातर मंगल होता है। क्या उपाय करें अगर मंगल की वजह से त्वचा की समस्या हो रही है? पहली बात, पानी का बहुत सेवन करिए, पानी खूब पीजिए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 से 10 मिनट रोज बैठिए। तांबे के गिलास से या तांबे के जग से पानी पीने का प्रयास करिए। मंगल की त्वचा की अगर समस्या है तो सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करिए। और मंगल की वजह से अगर त्वचा की समस्या है तो प्रभावित जगह पर, इफेक्टिव स्थान पर नारियल का तेल लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो मंगल की वजह से जो त्वचा की समस्या है उसमें सुधार होगा। लेकिन याद रखिए, मंगल की त्वचा की समस्या डायरेक्ट त्वचा की समस्या नहीं है। वो पेट की गड़बड़ी हो सकती है, वो लीवर की गड़बड़ी हो सकती है, वो आंतों की गड़बड़ी हो सकती है, जिसका असर आपकी स्किन पर दिखाई देता है। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि त्वचा से संबंधित परेशानी अगर है तो कैसे आप जानें कि किस ग्रह की वजह से वो परेशानी है और उसका ज्योतिषी समाधान क्या है। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसकी वजह से किस तरह की उन्हें स्किन डिजीज होती है और क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सूर्य जो होता है प्रवीण जी, वो उसकी जो किरणें होती हैं उनके अंदर बड़ी शक्ति होती है किसी भी रोग को दूर करने की, और अगर किरणों का ज्यादा प्रभाव होगा तो वो रोग पैदा भी करेंगी। सूर्य जो है वो आपके शरीर में मेलानिन को नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति का गोरा होना या काला होना उसकी स्किन के मेलानिन पे डिपेंड करता है और सूर्य इसका कंट्रोलर है। सूर्य की वजह से व्यक्ति के त्वचा के रंग में अंतर आ जाता है और सूर्य की त्वचा की समस्या में त्वचा काली होती जाती है, झुलसी और टूटी टूटी सी दिखाई देती है। स्किन की प्रॉब्लम के मामले में सूर्य की रोशनी बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन उसका कैसे प्रयोग किया जाए, कब प्रयोग किया जाए, ये समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को सूर्य की रोशनी से ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उनकी स्किन सन से बर्न कर जाती है, सन बर्न हो जाता है। यानी सूर्य की रोशनी अगर ज्यादा होगी या सूर्य का प्रभाव अगर ज्यादा होगा तो आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय किए जाएं? उगते हुए सूर्य को रोज सुबह जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन और मांसाहार, नॉनवेज से परहेज करें। रस वाले फल, रसदार फल और नींबू पानी का प्रयोग खूब करें। सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करें, बहुत अच्छा होगा। और अगर सूर्य की वजह से त्वचा की समस्या है तो चांदी धारण करना बड़ा अच्छा होता है। चांदी का एक छल्ला या चांदी की एक चेन अगर आप पहने तो उससे आपको लाभ होगा। अगर आप चाहें तो चांदी की गिलास से भी पानी पिएं, उससे बेहतर होगा। त्वचा की कोई भी समस्या हो, सुबह स्नान करके सूर्य की रोशनी में, उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठिए, अपनी पीठ करके। सूर्य की रोशनी सामने से नहीं ली जाती, सूर्य की रोशनी पीठ की तरफ से ली जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से सूर्य की रोशनी लें पीठ की तरफ से तो त्वचा की कोई भी समस्या दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, आपका पाचन तंत्र, आपकी आंखें और आपका डाइजेशन, ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि विवाह के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो वो अक्षत देकर अपने मायके में जाती है? जी देखिए प्रवीण जी, लड़कियां विवाह के पहले
और विवाह के बाद दोनों ही समय लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि लड़की की जब विदाई होती है, लड़की अपने मायके से जाती है तो मुख्यतः घर से लक्ष्मी विदा होती है। तो लक्ष्मी विदा हो जाए लेकिन लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये बहुत आवश्यक होता है। इसलिए लड़की अपने मायके से विदा होते समय अपनी माँ के आंचल में अक्षत देती है, चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, या लड़की अपने मायके की तरफ पीट करके पीछे की तरफ एक मुट्ठी अक्षत बिखेर देती है जो घर के कोने कोने में चला जाता है ताकि घर में संपन्नता बनी रहे। बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे जो कहेंगे आपसे कि जब से मेरी बेटी की शादी हुई है मेरे घर में दरिद्रता आ गई है, तो इसीलिए अक्षत देकर जाती है ताकि उसके संस्कारों की वजह से घर में संपन्नता बनी रहे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी बेटी की विदाई के बाद आपके घर में दरिद्रता आ गई है तो आप अपनी बेटी को किसी भी दिन अपने घर में सम्मान पूर्वक बुलाइए, उसको बोलिए कि वो थोड़ा सा चावल और एक चांदी का सिक्का एक कपड़े में रख करके आपको दे दे और आप उस कपड़े को पोटली बना करके अपने पूजा स्थान पर रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, आज लकी नंबर 1 से लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, मानसिक तनाव इस समय आपको हो सकता है। नंबर 3, वाद विवाद से इस समय बचाव करें। नंबर 4, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 5, रुके हुए तमाम काम आज आपके पूरे होंगे।
नंबर 6, अपने रिश्तों की समस्या पर आज ध्यान दीजिएगा। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। नंबर 8, आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। नंबर 9, आज चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। अब वक्त है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? भाग्य पहर का शुभ समय है आज शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अब वक्त है एक और सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके हम एक आपको ईमेल आईडी बता रहे हैं। इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल और पूरी बर्थ डिटेल हमें भेज दीजिए। उन्हीं सवालों में से पंडित जी सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो ईमेल आईडी नोट करिए, bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर आपको सवाल भेजना है। पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न एकता जी ने हमें लिखा है और एकता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1982। जन्म का समय दोपहर में 3:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। एकता जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से नौकरी में बहुत समस्याएं चली आ रही हैं और मैं नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाना चाहती हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी नौकरी की स्थिति बेहतर हो जाए? एकता जी, आपकी कुंडली में फिलहाल नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप प्रयत्न करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के समय में आपकी नौकरी बदल जाएगी और आप इससे बेहतर नौकरी में पहुंच जाएंगी। नौकरी को लेकर के चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आपकी नौकरी, आपका करियर बेहतर बना रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, एक ओपल बनवा करके पहने, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हम सबको पंडित जी आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, इसके बाद 9 ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आज सुबह सुबह या दिन में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पंडित जी, आज आपने इतने विस्तार से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। कल भाग्य चक्र में फिर मिलेंगे और किसी नए विषय पर पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार।